नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो न्यूज है इस प्रकार से है कि प्रक्रिया 5 मई से, अभ्यर्थी 22 मई से 4 जून तक देंगे आवेदन। यहाँ पर है कि पटना प्रदेश के सरकारी +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने की प्रक्रिया 5 मई से प्रारंभ होगी। अतिथि शिक्षकों की सेवा जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में स्थित राजकीयकृत +2 स्कूलों के लिए ली जा रही है। यह फैसला सरकार ने तकरीबन 2 महीने पहले किया था। अब शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की सेवा प्राप्त करने के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया है। क्या है मामला? राज्य सरकार ने हाई स्कूल और +2 स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र जैसे विषयों के शिक्षकों की कमी को देखते हुए 4257 अतिथि शिक्षकों की सेवा मानदेय पर ली जा रही है। +2 स्कूलों में शिक्षक नियोजन तक अतिथि शिक्षकों की सेवा ₹1000 प्रतिदिन महीने में अधिकतम 25,000 परिश्रमिक पर ली जा रही है। अतिथि शिक्षक छात्रों को 6 विषय पढ़ाएंगे, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। योग्यता, अब देखिए इसके लिए कौन कौन योग्य हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी PG होना चाहिए और BEd अथवा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषयों के लिए योग अभ्यर्थी के लिए अर्हता न्यूनतम 55% अंकों के साथ BTech या MTech है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इस प्रकार से, और इनको भी जान लीजिए। सबसे पहले तो विषयवार शिक्षकों की संख्या को जान लीजिए। अंग्रेजी में 1041 शिक्षक होंगे नियुक्त, गणित में 791, भौतिकी में 1024, रसायन शास्त्र में 974, प्राणी शास्त्र में 137, वनस्पति शास्त्र में 290। और शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया है इस प्रकार से, शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर एक नज़र में। स्कूल से विषयवार शिक्षकों की रिक्ति के आधार पर अधिसूचना प्राप्त करना 5 मई से, यानी 5 मई से शुरू होगा। विद्यालय से प्राप्त अधिसूचना के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना, 12 मई से रोस्टर तैयार किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन करना 18 मई से किया जाएगा। अधिसूचना के आधार पर जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन 21 मई से। विज्ञापन के आधार पर उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करना 22 मई से 4 जून। प्राप्त आवेदन में से मेघा सूची तैयार करना 9 जून से। मेघा सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प लेना 10 से 13 जून। विकल्प के आधार पर शिक्षकों की सेवा स्कूल को मुहैया कराना 15 जून तक। तो इस प्रकार से आप न्यूज़ को जान चुके हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षकों से संबंधित संपूर्ण जानकारी हेतु इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।